वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। शहर में जगह जगह गड्ढे हैं, कीचड़ हो चुका है, लेकिन मनपा प्रशासन को शायद उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कोरोना के गीत गाए जा रही है, अपनी वसूली कैसे होगी वो ये देख रही है। मनपा के पार्षद भी दूर से नागरिकों को गड्ढे में गिरता हुआ देख रहे हैं और कार्रवाई शून्य है। ऐसे में नागरिक स्वयं आगे आए हैं और शहर के चौगुले प्लाट इलाके में खुद के पैसे जमा कर रास्तों की मरम्मत की जा रही है। रस्त्यांवर लक्ष देत नसल्यामुळे नागरिकांचे इतके हाल होत आहे की अक्षरशः नागरिकांनी जावं तो कोणाकडे, हा भरपूर मोठा प्रश्न आहे। तरी मी नगरपालिकेला एकच विनंती करतो की हे गड्ड्यांची काहीतरी विल्हेवाट लावा, नाही तर त्या गड्ड्यांमध्ये लोकांना तरी गाळा। आमच्या चौगुले प्लॉट ओकनगरमध्ये अमृत योजनेचं काम झाल्यामुळे बरेच गड्ढे झालेले होते आणि पावसामुळे खूप मोठमोठे खड्डे झाले आणि महिला पुरुष लहान मुलं यायला त्रास व्हायचा होता, गाड्यांना त्रास होता, बरेच जण घसरून पडले। इथे आम्ही विचार केला की सर्वांनी वर्गणी करून स्वखर्चाने गल्लीमध्ये मुरूम टाकून वेस्ट मटेरियल टाकून हे गड्ढे बुजवायचं काम आम्ही आज करत आहे। अब अगर नागरिक ही सब कुछ करेंगे तो फिर मनपा किस मुंह से नागरिकों से टैक्स ले सकेगी। नागरिकों को चाहिए कि मनपा से न्याय की गुहार लगाए और कानूनी कार्यवाही कर मनपा से खर्च किए पैसे भी वसूल करे। ऐसी बातें अब लोग करने लगे हैं। जलगांव से जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।